So I congratulate all of you the scan is for completed. Clearing the HSC examination successfully without appearing to offline examinations. All of you have scored good marks, but dear students, all of you must be aware of the conditions that have been faced by you during examinations. The marks which you have scored in the previous examinations are not your true marks. This is first fact to be underlined in your mind. Though you are having 82% marks, 92% marks, but just you look over to your previous scores of examinations and then guess about these marks. These marks are false marks. कभी कभी लगता है कि हमको बहुत अच्छे मार्क मिले, हम बहुत होशियार हो गए, लेकिन कोरोना के वजह से ऐसा सभी के मार्क्स बढ़े हैं, इसलिए आपको ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है. हमको लगता है कि हमने अच्छी पढ़ाई किया, जरूर आप लोगों ने पढ़ाई किया, लेकिन आपको अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये थोड़े से बढ़े हुए मार्क्स आपको आगे का पूरा आपका जो प्लानिंग है वो बिगाड़ सकते हैं. इसलिए आप लोग पढ़ाई के बारे में अलर्ट रहिए, ये मुझे सबसे पहले आपको बोलना है, क्योंकि ये हम लोग हमेशा देखते हैं बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन ऐसा नहीं है. आप अलर्ट रहो सबसे पहली बार. एंड नाउ वी शैल स्टार्ट अवर फॉर्मल कोर्स. सो आई विल शेयर अ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड फॉर यू. अगर आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखता है तो आप मुझे इमीडिएटली मैसेज में बताइए. आर यू एबल टू सी दिस प्रेजेंटेशन? कोई नहीं, मी के लिए शेयर के लिए आला है का? एक मिनट, प्रेजेंट नहीं होता मुझे. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू सी माय प्रेजेंटेशंस? फर्स्ट स्लाइड. यस सर. So you are not visible. सर वॉइस नहीं आ रहा. ये सुन तो कहीं आ रही
आज सुनो तो करना ये यूट्यूब यूट्यूब ना तो बस वीडियो ऐसा ऑडियो बंद है कभी कभी बंद कर ऑडियो बंद कर उन चम गोले गोले कुट्टे मार कर जस्तो उन्हें करना रे दाउद साइड हो जाता है चलो ये कह रहा है ती इतना उस्ते जतला है नहीं यतला नहीं ते भी इधर से हाँ हेड़ा है तो ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर यूट्यूब पर हेलो आवाज एम आई ऑडिबल टू यू ओके सो दिस ओनली वन हाँ एक लक्षात घ्या आप लोगों में से एक जन रिप्लाई करना मुझे मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा सो वन बाय वन विल बी रिप्लाई वन बाय वन स्टूडेंट विल रिप्लाई टू मी और सबसे पहले खुद के फोन म्यूट करो आपके घर में का आसपास का आवाज मुझे सुनने को नहीं आने को ना पहली बार नंबर दो जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर देने के पहले खुद का नाम आपको बोलना है और फिर आंसर देना है ताकि मुझे आपके नाम पता चले विद दिस वी आर स्टार्टिंग सो दिस इज अवर एंट्रेंस ऑफ योर कॉलेज श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस अकोला एक आई फिल्म है लेकिन रेकॉर्ड बंद एंड वी आर स्टार्टिंग अवर ब्रिज कोर्स डियर स्टूडेंट्स दिस इज ए इमेज विच इज स्पेशली सिलेक्टेड फॉर टुडेज कोर्स The selection of the image is not blind, but it is thoughtful selection of the image. ये image मैंने क्यों select किया है? इसके पीछे विचार है, कुछ सोच है, उसके लिए मैंने ये उस वो विचार करने के बाद मैंने ये image select किया है. सिर्फ ब्रिज दिखाना है, इसलिए image उठा के रखी नहीं है. सो आपको ये image के बारे में थोड़ा सोच के भी रखना है कि सर ने यही image क्यों आपके ब्रिज कोर्स के लिए select किया है. ये image पर मैं क्वेश्चन आपको पूछूंगा. कब पूछूंगा ये नहीं बोलता. लेकिन ये इमेज का सिलेक्शन मैंने क्यों किया है इस पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है सोच के रखो बीच में सो दिस इज द टाइटल ऑफ आवर कोर्स ब्रिज कोर्स एंड आई वेलकम टू यू एट द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी श्री शिवाजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस अकोला सो दिस वन इज अ पिक्चर कैप्चर्ड बाय मी एट द पेंच टाइगर रिजर्व दिस वन इज वेरी ब्यूटिफुल जंगल हैविंग प्रेजेंस ऑफ टाइगर्स एंड दिस स्पीसीज विच यू आर सींग इन दिस पिक्चर इज ए बाम्बू स्पीसीज एंड ए रोड इज गोइंग थ्रू दी ए थिक वेजिटेशन ऑफ बाम्बू सो वाट डज इट मीन दैट यूर एंटायर लाइफ पाथ इज कवर्ड ऑन बोथ साइड बाय द बॉटनी सो नन ऑफ यूर लाइफ पाथ इज डिवाइड ऑफ बॉटनी बट इट इज ए including botany so this is a image that is welcoming you at the department of botany so myself dr anand oak my surname is oak oke don't make a wrong pronunciation of my surname I am dr anand oak assistant professor in botany at shri shivaji college of arts commerce science akola I welcome you all On the occasion of bridge course and on the occasion of your entrance to the graduation level academics. Dear students, हम लोगों ने सोचा था ऐसा पिछले साल कि शायद आप सभी बच्चे हमको जब अगले साल मिलोगे यानी नई नई जो बैच आएंगी वो शायद ऐसी हंसती खेलती एक साथ हम कहीं टूर पर जाएंगे चिखलदरा जाएंगे बॉटनिकल स्टडी करेंगे लेकिन ये साल अभी
आज के तारीख में 13 अक्टूबर 2021 को तो भी ये बात पॉसिबल दिख नहीं रही। अदरवाइज ये हमारा 2 साल पहले का फोटो है। हम हमारे स्टूडेंट्स को चिखलदरा लेकर गए थे, वहाँ हमने स्टडी टूर निकाला था, उस वक्त का ये फोटो है। आप लोग भी ऐसे शायद कहीं हम लोग जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करो कि ये कोरोना जल्दी निपट जाए और आप लोग भी ऐसे हमें मिले और हम सब लोग पढ़ाई करने के लिए एक साथ कहीं बाहर जाए। आज के कोर्स का टाइटल है ब्रिज कोर्स। अब इसे ब्रिज कोर्स क्यों कहते हैं ये पहले बताओ। क्यों ऐसा कलर बैकग्राउंड चेंज झाला ऑटोमेटिक? इकडे वेगळा दिसतोय मला तुझ्या स्क्रीनवर। ठीक आहे, ओके, तिकडे काय दिसतोय? येल पिंक, ओके, तिकडे बरोबर आहे। ठीक आहे, सो दिस इज अ ब्रिज कोर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू युअर माइंड मस्ट बी व्हाट इज मीन बाय टू ब्रिज। पहला क्वेश्चन आपके लिए है ब्रिज कोर्स इसे क्यों बोलते हैं, और ये आपका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है आप स्टूडेंट्स लोगों का। ये बच्चा बहुत क्या बोलते हैं उसको, मासूम दिखा है, छोटा सा है, आप इतने छोटे नहीं है लेकिन इतने बड़े भी नहीं हुए कि आपको ये सवालों के जवाब पता हो। सो व्हाट इज मीन बाय टू ब्रिज? आंसर वन बाय वन। आंसर गलत हुआ तो भी चलेगा लेकिन आंसर दो। आपको गेस करना है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, चूक झाली तो झाली, हरकत नहीं। सांगा व्हाट इज मीन बाय टू ब्रिज? व्हाट इज द नीड ऑफ ब्रिज? ब्रिज चं काय काम आहे आणि ब्रिज हा शब्द इथे का वापरला आहे? कृपा करून ब्रिज हा शब्द हिंदीमध्ये उच्चारू नका। ब्रिज भाषा वेगळी आहे भारतामध्ये, उत्तर भारतात चालते ब्रिज भाषा ती, तो हा ब्रिज नव्हे, हा ब्रिज म्हणजे पूल। सो व्हॉट इज मीन बाय टू ब्रिज? आन्सर द क्वेश्चन। दाऊद शाह सांग रे, दाऊद शाह हाँ सांग व्हॉट इज मीन बाय टू ब्रिज? व्हॉट इज मीन बाय टू ब्रिज दाऊद शाह बताओ? पता सर, मालूम नहीं है, मालूम नहीं, नहीं अंदाजा नहीं लगाओ, सर। अंदाजा लगाओ क्या होता है उसमें, गलती हो गई तो हो गई, सोच रहे सर, सोच रहे सर। सोच के बताओ। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कोई हो बताओ। सर यस सर, व्हाट इज मीन बाय टू ब्रिज बेटा? ब्रिज कोर्स इज अबाउट प्रीवियस प्रीवियस ईयर कोर्स आई थिंक। बरोबर 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 है, ठीक है, हरकत नहीं। मगर मैंने क्वेश्चन नहीं ये नहीं पूछा कि ब्रिज कोर्स क्या होता है, मैंने पूछा टू ब्रिज मतलब क्या है। रिवीजन ऑफ प्रीवियस ईयर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टू ब्रिज मतलब क्या है? चलो मैं बोलता हूं, टू ब्रिज मतलब किसी बात को किसी बात से जोड़ना। अकोला में आप लोग घूमते, आप आपके गांव से इधर आते तो रास्ते में पुल लगता कि नहीं, ट्रेन का पुल हो, सर बस का पुल हो, अटैचमेंट, हाँ अटैचमेंट। ये इधर के सिरे का उधर के सिरे से जो अटैचमेंट होता है उसको हम ब्रिज कहते हैं। नदी के इस पार उस पार वो जोड़ने वाला क्या होता है? ब्रिज होता है। वो ब्रिज की जरूरत क्या पड़ती है कि हमको इधर से उधर जाने के लिए कोई तकलीफ ना हो। नदी में से जाना आसान है बोट से, लेकिन वो इतना भी आसान नहीं है कि एक साथ 100 लोग चले जाए, तो उसके लिए हमने ब्रिज बनाया। यानी हमारा जाना आना इधर से उधर आसान होने को होना, इसलिए ब्रिज की जरूरत पड़ती है। और ये ब्रिज वर्ड इसी के लिए इसमें यूज किया है ताकि आप लोग जब 12वीं तक पढ़ के आए हैं और आपको जब BSc में एंट्री मारना है तो 12वीं का एकेडमिक्स अलग है, ग्रेजुएशन का एकेडमिक्स अलग है, ये दो एकेडमिक्स के बीच में आपको इधर से उधर जाने के लिए आसानी हो, आपको उसकी ठीक से मालूमात हो, इसी के लिए ब्रिज कोर्स नाम का एक कोर्स हम लोग रन कर रहे हैं। समझ में आए? सो टू ब्रिज म्हणजे काय? जोडणं, एका गोष्टीला दुसऱ्या गोष्टीशी जोडणं आणि त्याच्या माध्यमातून इकडून तिकडे जाणं येणं परिवहन सोयीचं व्हावं म्हणून आपण ब्रिज बांधतो। आणि त्याच्याच प्रकारचं ट्रान्झिशन तुमच्या आयुष्यामध्ये येत आहे की तुम्ही 12वीतनं BSc आले, मग हा दोन वेगवेगळ्या कोर्सेसमधला फरक, आत्तापर्यंत काय शिकले, कसे शिकले आणि इथून पुढे काय शिकायचं आहे हे जोडायचं आहे तुम्हाला या ब्रिज कोर्सच्या माध्यमातून। समज में आया? तुम्ही आता आत्तापर्यंत शिकले शिक्षण मंडळात, 12वी बोर्ड, 10वी बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळ, अमरावती विभागीय बोर्ड वगैरे वगैरे, इथून पुढे तुम्हाला कुठलं शिक्षण मंडळ नाही आहे, तुमच्या डोक्यावर आता विद्यापीठ आहे।
आणि त्या विद्यापीठाचं नाव आहे संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती मराठीत. इंग्लिश में उसको बोलते हैं संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती. पहले इसका नाम सिर्फ अमरावती यूनिवर्सिटी था और उसका नाम बाद में बदलकर संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती ऐसा किया गया है. और ये स्लाइड पर नीचे यूनिवर्सिटी का फोटो है एंट्रेंस का और ऊपर गाडगे महाराज का फोटो लगाया है. अब गाडगे महाराज का काम कितना बड़ा है ये एक्सप्लेन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो सबको पता है कि उनका काम कितना बड़ा है. हमारे जैसे 1000 लोग भी मिलकर काम करेंगे ना तो उनके काम की बराबरी नहीं होती बेटा. इतना बड़ा काम वो आदमी ने करके रखा है गाडगे महाराज ने. हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने होशियार है, कितनी डिग्रियां हमारे पास है, हम 12वीं पास होके आए, क्या करके आए, वो सब एक तरफ. और गाडगे महाराज का अकेले व्यक्ति का काम एक तरफ, इतना उनका काम महान है और इसीलिए हमारे विद्यापीठ को उनका नाम दिया गया है. ये उनका फोटो है. आप लोग जिस कोर्स को एडमिशन लिए वो कोर्स का नाम है, आप लोग जो बोलते हैं बीएससी, लेकिन वो बीएससी इतना छोटा नाम नहीं है, उसका नाम है बैचलर ऑफ साइंस. ये 3 साल का कोर्स है, उसमें 6 सेमिस्टर्स होते हैं. इसका मतलब एक साल में 2 सेमिस्टर, 2 सेमिस्टर का मतलब एक साल में 2, मतलब आपको एक साल में 2 बार एग्जाम देना है और उसको 6 थियोरी के एग्जाम्स रहने वाले हैं और 6 प्रैक्टिकल के एग्जाम भी रहने वाले हैं. इस तरीके से आपका ग्रेजुएशन होने वाला है. समझ में आया? यस सर. हाँ, 3 वर्ष 6 सेमिस्टर्स 6 थियरी 6 प्रैक्टिकल असं तुमच्या बीएससीचं गणित आहे, सरळ सरळ. आणि हे सगळं ऑफलाईन संदर्भात आहे. ऑनलाईनची कंडिशन वेळेवर आलेली आहे, तर तसं असलं तरी तुम्हाला सेमिस्टर तितकेच आहेत, इयर तितकेच आहेत, एक्झाम्स पण तितक्याच आहेत, फक्त मोड ऑफ एक्झामिनेशन वेगळा आहे, त्याचा विचार आपण नंतर करू. पण तुमच्या कोर्समध्ये मात्र सिलेबसमध्ये सेमिस्टर्समध्ये एक्झाम्समध्ये कुठलाही बदल नाही आहे एक्झामच्या फॉर्मॅट व्यतिरिक्त, तो आपण पुढे बघू. सो नाऊ वी आर डिस्कसिंग हिअर अबाउट युअर करिक्युलम. आप लोगों ने एडमिशन लिया, आपको मैं एक खुद का एक्सपीरियंस बोलता हूँ. आप लोग मुझे हंसेंगे भी शायद, लेकिन मैं ये जानबूझ के बोलने वाला हूँ ताकि आपको समझ पाए कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं. जब मैं आपके क्लास में था ना बीएससी में फर्स्ट ईयर में, तो मुझे मेरी बीएससी की एग्जाम जब तक नहीं आई, हमारे हम एनुअल पैटर्न के बच्चे हैं, हम लोगों को इंटरनल मार्क्स नहीं मिले. हमने विदाउट सपोर्ट साल भर के पढ़ाई पर खुद के मार्क्स लेके पास हुए. हमने कोई भी कुबड़ी वुबड़ी यूज नहीं किया इंटरनल मार्क्स की. और ऐसे कंडीशन में हमारी एग्जाम मार्च महीने में थी और मुझे जनवरी फरवरी तक सिलेबस नाम की कोई चीज रहती, ऐसा कोई अलग से बुक रहता, यही पता नहीं था. हमारे कॉलेज में हमको पढ़ाते थे शिवाजी साइंस अमरावती में, और हमको लगता था जैसा मैं आपके ऐसे था 12वीं पास होके आया था, लगता था सर ने पढ़ाया मतलब उतना ही कोर्स है. और एक दिन हमारे दोस्त ने बोल दिया कि भाई सिलेबस देखा के, बोला सिलेबस क्या होता है. फिर उसने मुझे सिलेबस का बुक दिखाया और फिर मुझे पता चला कि इतना सारा सिलेबस होता है. ऐसा तुम्हारा नहीं होने को ना, इसलिए आपको सबसे पहले मैं सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस क्या होता है. सो सिलेबस यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है और वो सिलेबस के अंडर आपको बॉटनी का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं उसका एक एक पेपर होता है. उसमें 5-6 यूनिट्स होते हैं आपको, और वो 6 यूनिट में कंटेंट होता है. और वो सभी कंटेंट पर आपको हर सेमिस्टर में सिलेबस के अकॉर्डिंगली एग्जाम देनी होती है. ऐसा नहीं है कि सर ने इतना पढ़ाया मतलब इतना ही क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं है. ये जो लगता है वैसा नहीं है, इसलिए हमने सबसे पहले आपका करिकुलम डिस्कस करने के लिए लिया है. सो तो पेपर 1 ऑफ बॉटनी इज हैविंग टाइटल, पेपर का टाइटल है ये डायवर्सिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगैम्स. ये आपके पेपर का टाइटल है सेमिस्टर 1 बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर, बॉटनी का. उसका नाम है डायवर्सिटी एंड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगैम्स. ये उसका सिलेबस है. ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है सिलेबस. ये सिलेबस छपा हुआ है, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएंगी. मैं ये आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके अंडर आपको मैं सिर्फ 2-3 पिक्चर्स के फॉर्म में ये सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है ये बताऊंगा. देखो इसमें आपको साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या होता है और उनका ये पृथ्वी पर जीव सृष्टि निर्माण होने में क्या रोल है, इसके बारे में आपको स्टडी करना है. फिर थोड़ी सी आपको क्रिप्टोग्राम्स के बारे में माहिती लेना है, आपको उनका किस कौन सी जगह में किस प्रकार के प्लांट्स रहते हैं, वो उनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, वो किस तरीके से दिखते हैं, उनका कंडीशन क्या है, वो आपको देखना है. बाद में आपको इसमें वायरसेस का और कुछ बैक्टीरिया का स्टडी करना है,
और इन सभी माइक्रोब्स का एग्रीकल्चर में रोल क्या है, मेडिसिन में रोल क्या है, ये देखना है। और फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप, हमने इसमें आपके लिए चार फोटो रखे हैं जो आपको ये यूनिट के बारे में थोड़ी आइडिया देंगे। सो ये लेफ्ट फोटो जो है, एक्सट्रीम लेफ्ट आपके सामने, वो है साइनोबैक्टीरिया का फोटो। दीज आर साइनोबैक्टीरिया हैविंग ग्रीन कलर। आप लोग मोती की माला पहनते ना, मोती की माला लड़कियां पहनती है, पर्ल की चेन होती है आपके गले में, अरे हंसते कि नस्ते? नॉस्टॉक कॉलनी, नॉस्टॉक स्पीसीज है, जीनस नाव है नॉस्टॉक, याची ही कॉलनी है। तुम्हारा समझना करता हरे रंग की मोती की माला जिस तरीके से दिखती है उस तरीके से ये माइक्रोब्स आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देंगे, वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है। सेंटर में है बैक्टीरियल सेल, आप लोगों को पता है, आप लोग दही खाते उसमें दही में बैक्टीरिया होता है, आप लोग हमेशा बोलते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसमें का ये बैक्टीरिया। उसके बाद में ये राइट में जो आपको केले का बड़ा जात ऐसा दिख रहा है साहब, शायद केले का सर ने इन्फ्लोरेंस लाया है, केड़ाचा घड़ वाटतो है, तो केड़ाचा घड़ नहीं है, दैट इज ए रिप्रेजेंट, दैट इज ए टोबैको मोजाइक वायरस। वो ऐसा ही दिखता है, किसी को भी लगेगा कि ये शायद केले का असर ने उठा के लाया, इतना बड़ा वो क्या बोलते हैं मराठी, केळ्याचा घड म्हणतात, तो केळ्याचा घड नाही, हा टीएमव्ही आहे, टोबॅको मोजाइक व्हायरस। आणि सगळ्यात खाली आहेत इंडस्ट्रियल फर्मेंटर्स। आप लोग अभी कोरोना के फेज में से आए, आप लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन भी लिया होगा, कोवैक्सीन भी लिया होगा, बचपन में वैक्सीनेशन किया होगा आपला, वो सब वैक्सीनेशंस के लिए ये प्रोसेस यूज करते हैं। उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस से कोई केमिकल्स बनाते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं, एंटीबॉडीज निकालते हैं, एंटीबॉडी को सभी ये प्रोसेस से जाता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है फर्मेंटेटर, ये इंडस्ट्रियल फर्मेंटेटर है, और इसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में भी है और तुम्हारे मेडिसिन में है और इंडस्ट्री में भी है। सो आपको इन चीज़ों के बारे में ये यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद में हम आते हैं एक कॉमन मेंबर ऑफ द आवर लाइफ, जिसको हम लोग हमेशा देखते हैं लेकिन कभी गौर नहीं करते, लेकिन उसका गौर उसी वक्त होता है जब हम लोग पानी में उतरते हैं, तब हमको उसका गौर होता है, हम भी उस पर ख्याल देते, संभाल के चलो बोलते, यहाँ से आदमी फिसलता, घसरून पड़तो आपण, तेव्हा आपल्याला जाग येते की अरे इथं काहीतरी आहे बा, जे पाण्यामध्ये आपल्याला घसरून टाकतं। चालता चालता आपण ग्राउंडमध्ये पावसाळ्यात धावत असतो आणि अचानक धपकन खाली पडतो, मग आपण खाली बघतो आपण का घसरलो, तर मग कळतं की अरे यार आपण या हिरव्या हिरव्या काहीतरी मटेरियल होतं याच्यावरून घसरलो बा, आणि मग आपण म्हणतो अभय ते शेवाळ आहे, ते शेवाळावरनं घसरतो, पलीकडून जा। सो दॅट कॉमन मेंबर ऑफ अवर लाईफ इज नथिंग बट शेवाळ, इट इज कॉल्ड अल्गी इन बॉटनी। सो यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस अल्गीज, उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, वो दिखते कैसे है, कहाँ रहते हैं, उनकी उनमें कौन से कलर्स होते हैं, उनमें कौन सा रिजर्व फूड होता है, वो रिप्रोडक्शन कैसा करते हैं, उनके नंबर कैसा बढ़ता है, वो सब आपको यूनिट में पढ़ना है। और उसके लिए आपके सामने चार एग्जाम्पल्स रखे हैं यूनिवर्सिटी ने, वो उसमें क्या, हम दो एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा। एक है देखो आपके स्क्रीन पर, देखो लेफ्ट में एक है और एक राइट में है, दो इमेजेस है। सो जो लेफ्ट में है उसका नाम है बटरैकोस्पर्मम स्पीसीज, बहुत खूबसूरत दिखता है जब इसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, इसको हम सैफ्रोलिन से स्टेन करेंगे तो आपको ऐसा लाल रंग का एक बहुत खूबसूरत अल्गी दिखने को मिलेगा, सामने से देखने के बाद ऐसा नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखता है। आवाज कम करना। और जो दूसरा है उसका नाम यहां लिखा है, लेकिन आप लोगों को अगर मैंने कहा कि समंदर के अंदर अंगूर निकलते तो आप लोग हंसेंगे मेरे को, बराबर सर ऐसा कभी होता है क्या, अंगूर समुद्र में निकलते ही नहीं, लेकिन आपके सामने जो अल्गी रखा है उसको सी ग्रेप्स भी कहा जाता है, उसका नाम है सार्गासम स्पीसीज, वो आपके सामने राइट स्क्रीन पर है और वो ब्राउन रंग का है, ग्रीन नहीं है वो। सो जैसा पिगमेंटेशन होगा उसी के मुताबिक त्याच प्रमाणे त्या अल्गीचा रंग असणार आहे। सो पिगमेंटेशन ऑफ द स्पीसीज विल डिसाइड कलर ऑफ द स्पीसीज। अब पिगमेंटेशन हमारे में भी होता है, आप कश्मीर को जाओ, आप कन्याकुमारी को जाओ, आप आसाम में जाओ, आप गुजरात में जाओ, चार सिरों पे अगर आप हिंदुस्तान के घूमकर आए तो आपको चार रंग के लोग दिखेंगे। साउथ में जाएंगे तो सब लोग काले होते,
मोस्टली कश्मीर में जाएंगे तो सब लोग सफेद होते, गोरेपान असतात, आसामला पण बऱ्यापैकी लोक गोरे असतात आणि गुजरातला बऱ्यापैकी सावळे किंवा असे मीडियम असतात. दिस इज नथिंग बट पिगमेंटेशन. वो मेलानिन कितना होता है उस पर से हम लोग बोलते हैं कि ये काला है कि गोरा है. वैसा प्लांट पे भी होता है, ये अलगी में कौन से टाइप का पिगमेंट है उस पर से उसका रंग डिसाइड होता है. लेकिन इसमें मेलानिन नहीं होता है, इसमें अलग पिगमेंट्स होते हैं. दैट पिगमेंट डिसाइड द कलर ऑफ द अलगी. नॉट नेसेसरी दैट एवरी अलगी विल बी ग्रीन, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अलगी मतलब ग्रीन होता है, हर अलगी कंपलसरी ग्रीन ही होने को ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है. अलगी के अलग अलग कलर्स है, आपको वो ड्यूरिंग एकेडमिक्स देखने को मिलेंगे, पढ़ने को भी मिलेंगे. लेकिन हरा है मतलब अलगी ही है ऐसा बिल्कुल नहीं है, या अलगी है मतलब हरा ही होगा ऐसा भी नहीं है, इतना ख्याल में रखो. नाउ कमिंग टू थर्ड यूनिट ऑफ योर सिलेबस. कोरोना के इन्फेक्शन के बाद में आप लोगों ने न्यूज अगर पढ़ी होगी ठीक से, आपका थोड़ा कुछ ख्याल होगा, मोबाइल के बाहर आप निकले होगे, थोड़ा दुनिया को देखते होगे अगर मोबाइल छोड़कर, तो आपको एक नया डिसीज का नाम या इन्फेक्शन का नाम आपके कान पे आया होगा, म्यूकोरोमाइकोसिस. कोरोना के बाद में ब्लैक फंगस ग्रो हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, 10 लोग मर गए, ये समथिंग न्यूज बीच में आई थी, आठवता है क्या कहीं या न्यूज बदल? यस सर. तो ब्लैक फंगस जो आहे दैट बिलोंग्स टू कॅटेगरी ऑफ सर. आणि हे फंजाय तुम्हाला, आता ब्लॅक फंगस तुम्हाला या सिलेबस मध्ये मेंशन नाही केलेला आहे, पण त्याचेच भाऊ बहीण मित्रमंडळ तुम्हाला या युनिट मध्ये स्टडी करायचं आहे. फंजायचं क्लासिफिकेशन कसं होतं, अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते मतलब क्या करते हैं, अगर हम घर में खुद के गए तो क्या करते हैं हम लोग. क्लासिफिकेशन सिंपल है, घर का पहली रूम जहां हम लोग गेस्ट को बैठाते हैं, सेकंड रूम हॉल होता है, थर्ड रूम किचन होती है, फोर्थ रूम बेडरूम होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ होम. और उसके बाद में वो खोली में क्या क्या रखना है उसका अलॉटमेंट होता है. ऐसा कभी नहीं होता कि पहले खोली में गैस रख दिया, किचन में बेड रख दिया, किचन में का सामान बेडरूम में रख दिया, ऐसा नहीं होता है. हर किसी की जगह फिक्स है. वैसा भी उसी तरीके से फंजाई का भी, अलगी का भी क्लासिफिकेशन है. उनके कैरेक्टर के मुताबिक उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया है, वो आपको पढ़ना है. अलगी का भी पढ़ना है, फंजाई का भी पढ़ना है. सो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई एंसवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने किया था, उसका आपको स्टडी करना है. बाद में आपको कुछ फंजाई स्टडी करने हैं, उसमें के दो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, बाकी के नहीं दिखाऊंगा. सो ये दो फंजा है जिसके मैंने आपके लिए स्पेशल इमेज डाली है. अब पहले जो ग्रीन रंग की इमेज है, डार्क ग्रीन, जो नीचे के साइड में है, उसका नाम है अल्ब्यूगो स्पीसीज. तुम्ही सगळ्यांनी, तुझी पण फोन तुझी बॅटरी गेली शुभम, तुझी बॅटरी गेली लॅपटॉपची, लाईन नाही आहे ना, बरं ठीक आहे बघू जितको येईल तितकं, नाही तर आपण दुपट परत घेऊ. ये जो अल्ब्युगो स्पीसीस आहे, आप लोगों ने चवळी की भाजी कभी खाई क्या? चवळीची भाजी खाल्ली का? मेथी चवळी डाग असतात कधी कधी. दोज विश्यूज आर ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ दिस अल्ब्युगो स्पीसीस. और वो ये ग्रीन रंग का जो है ना, वो उसका एपिडर्मिस है, उसको फाड़ कर बाहर निकल रहे उसके स्पोर्स, ये अल्ब्युगो स्पीसीस है. और ये बाजू में जो है वो है एस्परजिलस, देखो कितना खूबसूरत है, माइक्रोस्कोप में देखो वो ऐसे दिखेगा आपको, इतना क्लियर नहीं आएगा क्योंकि स्लाइड इतने अच्छे आप बना नहीं पाते, लेकिन ये इसी तरीके से होता है. बैकअप आने लगा मैडम, एक दो मिनट बच्चों, मैं तीसरे लैपटॉप पे जा रहा हूं, इधर लाइन पावर सप्लाई नहीं है करके yes, थोड़ी गड़बड़ है, हम उधर So next is dealing with the type of plants, nothing but bryophytes. अब मैंने आपको अगर बोलते हैं कि झाड़ कैसा होता है बच्चों, तो आप बोलेंगे सर उसको रूट होते हैं, स्टीम होते हैं, लीफ होता है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, बराबर. छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तो वो निकालेगा, एक डंडी निकालेगा, उसको ऐसे ऊपर गोल गोल करेगा, बोलेंगे झाड़ निकाल लिया. लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि झाड़ पोह्यांसारखं असतं, पोहे खाए ना आप लोगों ने? Yes, sir. लेकिन होता है, जसे पोहे असतात ना त्या टाइपचे प्लांट असतात, तुम्ही जसं काढता तसंही प्लांट असत. 8-1 केलं असत. जसे पोहे असतात ना त्या टाइपचे पण प्लांट्स असतात, खूप छान असतात,
आपल्याकडे मिळत नाहीत. अकोल्यामध्ये गर्मी जास्त आहे, चिखलदरा किंवा या हिल स्टेशनला तुम्हाला हे पाहायला मिळतील. आणि काही काही मात्र ब्रायोफाइट्स आपल्याकडे उगवतात ते तुम्हाला माहीत नाही. तुमच्या घरी जर का विटा असतील पडलेल्या जुन्या विटा, तर जुन्या विटांवर पाऊस पडल्यानंतर हिरव्या रंगाचे लहान 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 ब्रायोफाइट्स उगवतात. दे आर नथिंग बट फ्युनेरिया और पॉलीट्रैकम स्पीसीज. उसमें की कौन सी आती है वो आपको देखना पड़ेगा. सो वो ऐसे दिखते हैं, देखो आपके यहाँ ये राइट साइड में जो है ना फ्यूनेरिया, ये आपके यहाँ ईट पर निकलता है बहुत बार, बहुत छोटा होता है लेकिन दिखता ऐसा है अगर गौर से देखा जाए तो माइक्रोस्कोप में ऐसा आपको दिखेगा. और ये जो लेफ्ट में है इसका नाम है मार्केंशिया स्पीसीज. जैसे पोहे असतात ना आपले पोहे, तसा हा दिसतो आपका चपटा एकदम पोह्यासारखा. आणि त्या पोह्यावर असं लहान लहान कप्स आहेत ग्रीन रंगाचे, हे जिमा कप्स आहेत. हे कप्स या प्लांटची आयडेंटिटी आहे. मार्केंशिया ओळखण्याकरता जिमा कप पाहावा लागतो. जिमा कप नसेल तर मग बाकी अनाटॉमी बघावं लागते, पण जिमा कप, त्याच्यावरची प्रॉमिनंट मिडरिप, व्हेंट्रल साईडला असलेले पर्पल कलरचे स्केल्स, त्याची आयडेंटिटी आहे हा मार्केंशिया. तुम्हाला हा पण स्टडी करायचा आहे. देन कमिंग टू टेरिडोफाइट्स. सो ये टेरिडोफाइट का भी आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है. और इसमें का एक बहुत खूबसूरत प्लांट मैंने आपके लिए लाया है. इसमें का फिलिकोप्सिडा में का जो मार्सेलिया है वो हमारे यहाँ मिलता है पानी में, और जो दूसरा है जो हमारे यहाँ नहीं मिलता वो मैंने आपके लिए उसकी इमेज लाया है. उसका नाम है इक्विसिटम, उसको हॉस्टल भी बोलते हैं. और वो ऐसा दिखता है घोड़े के दुम की जैसा. ये उसका कोन है, ये मक्याचा कणीस नाही रे बा कोणी म्हणणं का मक्याचा कणीस आहे म्हणून. दिस इज अ कोन ऑफ इक्विसिटम अँड दिस इज अ इक्विसिटम स्पीसीज ऑन द राईट साइड. दे बिलॉंग टू कॅटेगरी ऑफ टेरिडोफाइट्स. आपको इसकी भी स्टडी करना है और ये मार्सिलिया के भी स्टडी ये यूनिट में करना है आपको. देन कमिंग टू द सिक्स्थ यूनिट ऑफ योर सिलेबस, इसमें आपको माइक्रोब्स के, अल्गी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखना है, उनका यूज देखना है. एक टाइप के फंजाए जिनको माइकोराइजा कहा जाता है उनके बारे में आपको स्टडी करना है. बाद में आपको इन्फेक्शन स्टडी करना है जो प्लांट पे आते हैं. आपके यहाँ अगर गेहूँ लगाया होगा खेत में तो वो लाल रंग का हो जाता है, उसको आप बोलते इन्फेक्शन आ गया, तांबेरा पड़ला गवावर, उसके बारे में आपको पढ़ना है. बाद में आपको आपके खेत में अगर कपास लगाया है तो उसके पत्ते पे काले रंग के डॉट्स आते हैं वेन्स के पास, उसको वो आपको स्टडी करना है. जो फंगल इन्फेक्शंस है ग्राउंड नट पे डॉट्स आते हैं ब्लैक रंग के, उसका आपको स्टडी करना है. और ये आपको यूनिट पे पढ़ना है. देखो ऐसे दिखता है आपका, अगर खेत में मूंगफली लगाई है तो उस पर ऐसे काले रंग के इन्फेक्शन आते हैं पत्तों पर मूंगफली के, वो आपको स्टडी करना है. और बाद में ये जो राइट साइड में दिखाया है फो एंड फ्रेंड, सो ये टिक्का डिसीज जो है वो हमारा दुश्मन है, नुकसान करता पिकाचा. पण ये जो इधर का फ्रेंड है माइकोराइजा, दिस इज ए फंगल असोसिएशन विद द रूट्स एंड इट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एज वेल एज वॉटर सप्लाय टू द डीप फीडर रूट्स.